सो हे क्लासेस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। एंड गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीज़न जो है एंड हो चुका है, एंड साथ में एक यहां पर देख सकते हैं कि न्यू चैलेंज भी हम लोग को देखने को मिला। और अभी तक आपने ये चैलेंज जो है कम्प्लीट नहीं किया है तो जाके आई बटन पर देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो आ रही होगी। तो वहाँ पर मैंने बहुत ही ईजी मैथड में भाई इस बेस को जो है 3 स्टार कर रखा है, तो आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। और आज जो है हम लोग करने वाले हैं भाई लेजेंड वीक के कुछ वाइब अटैक्स दिखाएंगे, जो कि भाई होने वाले हैं सुपर बार्बेरियन अटैक स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है, बहुत ही न्यू आर्मी है। एंड मतलब अभी जो है टाउन हॉल 15 पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, एंड पुशिंग भी भाई इस आर्मी के साथ बहुत ही तगड़ी होती है। और बंदे भाई 6-6 हज़ार हिट कर रहे हैं भाई इसी आर्मी के साथ। एंड आर्मी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साथ ही मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग सिंपली कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोग को सीसी देखना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सीसी जो है आपको कम्प्लीटली फिल नहीं करना है। एक यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 49 स्पेस ही फिल किया है, एक गॉब्लिन जो है हमने निकाल दिया है। एंड सीसी में आप लोग को 3 सुपर अर्चर, 1 सुपर वॉल ब्रेकर और 5 गॉब्लिन्स लेने। एंड आगे वीडियो में बताएंगे इसका रीज़न। ठीक है, तो भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितने बंदे चैनल पे न्यू है चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही में भाई वीडियो पे एक लाइक भी कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये रहा सबसे पहला बेस जो हमें मिल चुका है। एंड इस बेस में देख सकते हैं कि भाई गैप है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर गैप का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले जो है रूंस को ड्रॉप किया भाई, और यहाँ पर जो है ब्लिम को जाके हमने खोल दिया है। ठीक है, एंड सबसे पहले एक इनविजिबल, उसके बाद रेज, एंड फिर भाई इनविजिबल का यूज़ करना है भाई, क्लोन स्पेल का भी यूज़ करना है। तो ब्लिम का प्रोसेस आप लोग को मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग को पता होगा, और नहीं पता तो फिर से मैं बता देता हूँ। तो ब्लिम खोलने से पहले भाई आप लोग को एक इनविजिबल डालना है, उसके बाद भाई आप लोग 2 क्लोन स्पेल, रेज स्पेल और फिर से इनविजिबल डालना है। और यही है ब्लिम का प्रोसेस। और उसके बाद जो है आपको लगातार 4-4 सेकेंड के बाद इनविजिबल को ड्रॉप करते जाना है, जब तक वैल्यू ना निकले। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक वैल्यू जो है निकल चुका है। और यहाँ पर जो हमने वॉल को ब्रेक कर दिया, और पीछे से भाई हमने कुछ यहाँ पर सुपर बार्बेरियंस का यूज़ कर रहे, ताकि जो है यहाँ पर जो हीरोज़ है वो कोर के साइड में थोड़ा सा अंदर में सर्वाइव करें, और मतलब अंदर की ओर में ही घूमें हीरोज़। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कैटर वाला कंपार्टमेंट भी हमने खोल दिया है, वार्डन भी है हमारे साथ। पीछे से भाई हमने टाइटन को भी छोड़ दिया है, ताकि जो अगर स्कैलिज वगैरह होंगे या फिर सीसी होगा तो वो भी टेकडाउन कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं सीसी में भाई यहाँ पर ये देखिए विचेस निकल रहे हैं, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रो टाइटन है, तो आराम से भाई देख सकते हैं कि स्कैलिज जो है आराम से एक ही झटके में भाई डाउन हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो टाइटन के पास जो ऑरा होता है उसी में भाई डाउन हो रहे हैं। तेरे तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर किंग का जो एबिलिटी है टैप हो चुका है, एंड वार्डन की एबिलिटी हम लोग थोड़ा सा अभी सेव करके रखेंगे। तब तक यहाँ पर हम लोग कुछ सुपर बार्बेरियंस को ड्रॉप कर देते हैं, ताकि इधर का भी जो बाहर के बिल्डिंग से वो डाउन हो जाए। और यहाँ पर हीरोज तो बाहर आने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि कोर में ही है ज़्यादा कुछ, मतलब डिफेंसेस वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह अंदर में ही है। एंड इधर से जो है हमने रॉयल चैम्पियन को भी ड्रॉप कर दिया है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल इन्फर्नो टावर जो आराम से भाई स्टनिंग हो चुका है डिग्गी की मदद से। और इधर भाई सिंगल इन्फर्नो को फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हीरोज को पकड़ लिए थे। और इधर से हम लोग कुछ कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि सुपर बार्बेरियंस का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर किंग को जो है मैंने बहुत ही अच्छा से ट्रिगर आउट करवा लिया, और 2 पीछे से हेड हंटर को लगा देना है। आप लोगों को भी कुछ इसी तरह से करना है, किंग को भाई इसी तरह से आप लोग टेक डाउन करना, पहले कुछ सुपर बार्बेरियंस को ड्रॉप कर देना है, एंड उसके पीछे भाई 2 हेड हंटर्स को ड्रॉप कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वार्डनिंग एबिलिटी को भाई समझ नहीं आ रहा था, तो भाई यहाँ पर लास्ट में टैप कर दिया था हमने। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि अभी बेस में कुछ भी नहीं बचा, एंड बहुत सारे भाई यहाँ पर बार्बेरियंस बचे हुए, और यहाँ पर बस यहाँ पर कुछ स्टोरेज बचे हुए, जो कि भाई ये बेस जो है आराम से 3 स्टार हो गया। एंड मैं स्टार्टिंग में आप लोग को बता रहा था कि भाई सीसी में आप लोग को कम्प्लीटली फील नहीं करना है, तो आगे बताएंगे भाई आप लोग को, बस वीडियो पे बने रहना है। तो भाई ये रहा सेकंड बेस आ चुका है, एंड यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले जो है रूंस को ड्रॉप किया। इस तरह के बेसिस में देख सकते हैं कि हम लोग जो है वार्डन की एबिलिटी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो समझते हैं क्यों। क्योंकि जो है ब्लिम को जो है हमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करवाना है, तो अगर आप लोग को लगे कि ब्लिम को ज़्यादा अंदर तक भेजना है, तब आप लोग मतलब वार्डन की एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इसीलिए हमको इधर ही ब्लिम को खोलना था, तो इसलिए भाई हमने वार्डन की एबिलिटी को यूज़ नहीं किया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आराम से भाई यहाँ पर ब्लिम की मदद से देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया वैल्यू निकालने की कोशिश की जा रही है। और क्या यहाँ पर टाउन हॉल निकल पाएगा, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर ओके, तो टाउन हॉल तो नहीं निकल पाया, बट ईगल लॉटरी मिल चुका है,
और साथ ही में एक मल्टी टारगेट इन्फर्नो और कुछ बिल्डिंग्स जो है डाउन हो चुके हैं। तो इधर से जो है अब हम लोग हीरोज़ को ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर किंग को डाल दिया मैंने पीछे से, भाई यहाँ पर कुछ सुपर बारबेरियंस को ड्रॉप किया ताकि जो है हीरोज़ अंदर की ओर में जाए, भाई बाहर की ओर ना आ जाए। तो वार्डन वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर डाल दिया है और पीछे से भाई यहाँ पर एक वॉल ब्रेकर को ड्रॉप करके भाई ये कंपार्टमेंट खोल दिया है। और यहाँ पर भाई आप लोग को मतलब यही ध्यान पर रखना है, हीरोज़ को जो है बेस के अंदर घुमाना है और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सुपर बारबेरियंस का आप लोगों को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि जो है ये देखिए हीरोज़ जो है बाहर आ रहे हैं। इसीलिए भाई हीरोज़ को बाहर नहीं भेजना है, ये कंपार्टमेंट के साइड साइड में आप लोगों को घुमाना है ताकि जो है आराम से भाई टेकडाउन होते जाए। तो देखिए अभी यहाँ पर जहाँ पर लगे कि ज़्यादा वॉल ब्रेकर की ज़रूरत है तो यहाँ पर देख सकते हैं और एक वॉल ब्रेकर को हमने ड्रॉप किया ताकि जो है ये टाउन हॉल वाला सेक्शन जो है खुल जाए और यहाँ पर जो है हम लोग वार्डन की एबिलिटी को यूज़ करते हुए टाउन हॉल को जो है आराम से टेकडाउन कर ले। तो इधर से हम लोग रॉयल चैंपियन को ड्रॉप कर सकते हैं। अब तो इस आर्मी में यही करना होता है, जिस साइड से आप लोग हीरोज़ को ड्रॉप करेंगे उसके अपोजिट साइड से आप लोग को आरसी को जो है ड्रॉप करना रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वीन की जो एबिलिटी है हम लोग यहाँ पर टैप कर दिया है और अब जो है सही टाइमिंग है यहाँ पर हम लोग टैप कर सकते हैं वार्डन की एबिलिटी को, क्योंकि कुछ जो सुपर आर्चर्स है मतलब आर्चर क्वीन से जो आर्चर्स निकलते हैं वो भी चार्ज हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने वार्डन की एबिलिटी को टैप किया, हालांकि थोड़ा सा वेट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पर जो है लास्ट हमने फ्रिज स्पेल का यूज़ कर दिया एंड फ्रिज स्पेल का कुछ इतना बारीकी से आप लोगों को यूज़ करना है। देख सकते हैं कि ये जो सिंगल इन्फर्नो टावर और एक्सपो था हमने एक साथ फ्रीज किया और यहाँ पर देख सकते हैं बेस में अभी कुछ भी नहीं बचा हुआ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुपर बारबेरियंस बचे हुए भाई। और इस बेस को भाई अब लगता है कोई बचा पाएगा एकदम, भाई ये बेस जो है आराम से 3 स्टार हो चुका है देख सकते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में हमने बताया था कि आप लोगों को सीसी जो है कम्प्लीटली फिल नहीं करना है। फिर हाँ आगे बोल, नहीं बता ए, बता। तो भाई रीज़न जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि सीसी जो है कम्प्लीटली आप लोगों को फिल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 50 स्पेस है तो आप लोगों को 49 स्पेस ही फिल करके ले जाना है। एंड रीज़न ये है कि जैसे कि आप लोगों को बताया कि अपडेट के बाद जो है ब्रिम से जो मतलब सीसी जो है फटाफट से भाई निकलने लगते हैं। तो अगर आप लोग 49 स्पेस ही फिल करके ले जाएंगे तो सीसी जो है फटाफट से नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे पहले यूज़ होता था भाई सेम उसी तरह से काम करेगा। मतलब हम लोग जो गॉब्लिंस पे जाते हैं पहले गॉब्लिंस निकलेंगे, उसके बाद भाई वॉल ब्रेकर निकलेगा, उसके बाद जो है सुपर आर्चर्स निकलते थे। बट अपडेट के बाद क्या चेंज हुआ था कि सब ट्रूप्स जो है एक ही साथ निकल जाते थे, तो उसका भी हमने तोड़ ले के आए थे। बट ये जो है अभी बग चल रहा है तो इसका इस्तेमाल कर लो भाई जब तक है। अगर सुपर सेल को पता चलता है तो शायद इसे फिक्स कर दिया जाएगा, तो अभी जब तक है यूज़ कर लो। और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर सीसी जल्दी निकलता है तो उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल के दिया था आप लोग को। जैसे कि मैंने बताया था कि जब आप लोग ब्लिम को गिराओगे उससे पहले भाई इनविजिबल को ड्रॉप कर देना एंड उसके ऊपर भाई ब्लिम को खोलना, ठीक है। तो ये था एक मेथड, बट हमने जो है ये वाला मेथड जो है थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब जो ये सीसी रेट से निकलेगा ना तो आप लोग को एक अच्छा सा बेनिफिट मिल जाएगा और इनविजिबल को जो है थोड़ा सा वेट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट डिप्लॉय करने से भाई पूरा चेंज हो सकता है, समझ सकते हैं कि वैल्यू जो है कुछ ज़्यादा अमाउंट में मिल सकता है। तो यही जो है अभी बग चल रहा है, तो इस बग का आप लोग इस्तेमाल करें और बाद में देखा जाएगा, चेंज होगा तो होगा भाई। फिर आप लोग के लिए और भी न्यू वीडियोस बना के देंगे, इस तरह के और भी शॉर्ट्स ट्रिक्स मैं आप लोग को दिखाऊंगा। मैं शॉर्ट में आप लोग को एक यही चीज़ का मैं आप लोग को प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं शॉर्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेस में जो है हम लोग इधर से क्लीन अप कर रहे हैं एंड सुपर बारबेरियंस का आप लोग को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है। हीरोज़ को आप लोग को बेस के अंदर ही घुमाना है, हीरोज़ को देखना है कि भाई बाहर में ना चले जाए। तो इसीलिए भाई आप लोग को सुपर बारबेरियंस को जो है बाहर के बिल्डिंग्स पर आप लोग को ड्रॉप करना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है रॉयल चैंपियन को भी ड्रॉप कर दिया है और हमारे पास जितने भी बचे कुछ बारबेरियंस थे सबको हमने ड्रॉप कर दिया है। और आरसी जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट जो है यहाँ पर एक्सपो प्लस ये जो मल्टी टारगेट इन्फर्नो है प्लस हमारे पास अभी भी क्वीन की एबिलिटी बची हुई है यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अब जो है बेस आराम से भाई 3 स्टार होने वाला है और भाई कुछ भी बचा ही नहीं है देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर ये देखिए भाई क्वीन भी आ चुकी है यहाँ तक। तो भाई समझ सकते हैं आर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही जो है की पॉइंट है भाई, अगर ब्लिम से बहुत ही तगड़े वैल्यू निकाल देते हो तो बेसिस का 3 स्टार होना भाई कन्फर्म है। तो भाई ये रहा नेक्स्ट बेस आ चुका है एंड इसका जो लाइव रिकॉर्ड मैं कर रहा था बट बीच में भाई किसी ने कॉल कर दिया था, तो इसीलिए भाई
वो रिकॉर्डिंग ख़राब हो गया था, इसीलिए भाई रिप्लेस निकाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है फ्रीज स्पेल का यूज़ किया और वार्डन की एबिलिटी को भी यूज़ कर दिया है। और यहाँ पर जो है हमने बीम को खोल दिया और यहाँ पर अब हम लोग हिट करने नहीं देना है भाई सुपर आर्चर्स को। और यहाँ पर डबल क्लोन एंड इनविजिबल का यूज़ करते हुए अब देख सकते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर बहुत ही तगड़ी वैल्यू निकालने वाले हैं। और हम लोग जो है 5 ही इनविजिबल का यूज़ करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बता के रखा है क्या क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है, उसमें अगर आपने नहीं देखा तो उससे भी जाकर देख लेना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी तगड़ी वैल्यू निकल के आ गई है भाई। एक स्कैंडर शॉट, मोनोवेथ, टाउनवॉल और कुछ बिल्डिंग्स चले गए हैं और 31% का वैल्यू निकल के चला गया। साथ ही में भाई यहाँ पर हमारा वार्डन की जो एबिलिटी है वो भी थोड़ा सा चला गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, जो की डिफेंसेस थे भाई वो निकल के आ गए हैं, तो यही हमारे लिए बड़ी बात है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने हीरोज़ को जो है ड्रॉप कर दिया, मतलब किंग को ड्रॉप किया है सिर्फ, और यहाँ पर टाइटन को भी ड्रॉप किया। और ये देखिए भाई पीछे से हमने क्वीन को लगा दिया है ताकि जो ये सीसी डाउन हो जाए। और इधर से आप लोग को कुछ बारबेरियंस को डालना है और पीछे से 2 हेड हंटर्स क्रो, और इस तरह से भाई ओपोनेंट का किंग जो है डाउन हो जाएगा। और इधर से हम लोग वॉल को खोल देंगे ताकि जो है ये हीरोज़ जो है बाहर में आ जाए, नहीं तो भाई वॉल में फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब जो हम लोग यहाँ से वापस से वॉल को ब्रेक करते हैं और यहाँ पर कुछ पहले तो डिफेंसेस को डाउन करते हैं, मतलब बिल्डिंग्स को, ताकि हीरोज़ वापस से अंदर चले जाए। और इस स्ट्रैटेजी में आप लोग को यही करना होता है, मतलब हीरोज़ को जो है बाहर बाहर के साइड में ही घुमाना रहता है और बारबेरियंस की हेल्प से भाई मतलब बाहर के बिल्डिंग्स को आप लोग को टेक डाउन करते रहना है ताकि हीरोज़ जो है बेस के अंदर रहे, बाहर ना आ जाए। और बाहर के बिल्डिंग्स को भाई ये सुपर बारबेरियंस क्लियर कर ही देते हैं। उसके बाद इसके ओपोनेंट साइड से भाई आप लोग को आरसी को ड्रॉप कर देना है। और यहाँ पर देखते हैं स्कैटर जो है हिट करने वाला था, लेकिन अभी जो है हमने यहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही ये सुपर बारबेरियंस से। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही क्वीन जो है बाहर आई उसके बाद हमने सारे के सारे सुपर बारबेरियंस को ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पर जो है ओपोनेंट की क्वीन की जो हेल्थ है बस 1 HP है और हमारी आरसी ने हिट कर दिया और आराम से भाई ओपोनेंट की क्वीन जो है टेकडाउन हो चुकी है। और बेस में अभी कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बस यहाँ पर देख सकते हैं स्टोरेजेस बचे हुए जो कि क्लीनअप प्रोसेस कहा जाता है। और ये बेस भी भाई 3 स्टार हो चुका है। तो भाई आर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप लोग इसका इस्तेमाल CWL और पुशिंग के लिए कर सकते हैं। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे इस तरह के और भी न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक भाई जय हिंद। But you